इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किस तरह ले सकते हैं और यहाँ मरूर ऑफिस जाकर किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, किसी भी तरीके का लाइसेंस हो, क्योंकि ये तकरीबन मेरा 2 मंथ तक ये प्रोसीजर चला था। तो मैंने कहा जब तक मैं मेरा प्रोसीजर क्लियर नहीं हो जाता मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। तो अपॉइंटमेंट की मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप इसे देखिएगा। जो मेरे राइडर भाई हों और या जो अनपढ़ हों, जो बेचारे पढ़े लिखे ना, उनके लिए भी बहुत आसान तरीका है इसमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं दल्ला ऑफिस, जिसे ट्रैफिक ऑफिस भी कहते हैं। यहां मैं मोटर बाइक का लाइसेंस बनाने के लिए आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कार का लाइसेंस तो है। ट्रैफिक ऑफिस जो है वो है गवर्नमेंट ऑफिस है। तो ये देखें, अपनी पसंदियाँ पार्क करने के बाद अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ जा देखते हैं क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं। जी उधर से मैंने अपडेट ले ली है मरूर से, तो वो कह रहे हैं अभी नमाज़ के बाद, जोर की नमाज़ के बाद ओपन होगा। तो 50 रियाल लेते हैं, तो अभी फिर देखते हैं नमाज़ के बाद ओपन में मिलती है कि नहीं मिलती। उतनी देर जो मैं रात को ऑनलाइन करता रहा हूँ कोशिश अपॉइंटमेंट लेने की, आप लोग उसकी वीडियो देखें। इजी बहुत है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए। या मैंने 2-3 एजेंटों से भी बात की, तो वो भी उसी तरीके से मुझे अपॉइंटमेंट ले के दे रहे हैं जिस तरीके से रात को मैं कर रहा था। तो आप देखें, बहुत इजी है। हो सकता है आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाए, हो सकता है ना मिले। ये देखें, वो सामने है दल्ला। तो बाकी कोशिश आप करें ऑनलाइन भी, अगर ऑनलाइन हो जाए तो अच्छी बात है। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद देखेंगे कौन सी डेट मिलती है, तो उसकी 50 रियाल फीस है। आप वो उतनी देर वीडियो देख लें जो मैंने ऑनलाइन किया है अफसर से। आप अफसर को जो है क्रोम पर लॉगिन करें और वहाँ से देखें, बहुत आसान है। फिर बाकी अपडेट आपको बाद में देता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें, जब आपने अपना ब्राउज़र पर अफसर को लॉगिन कर लेना है, तो अफसर को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये आपके पास सर्विस में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, पर आप ये देखें, आप ट्रैफिक को सिलेक्ट करिएगा। ट्रैफिक को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, अभी ये क्योंकि ये रात के 3:27 हो रहे हैं रात के, तो पहले मैं देख रहा था वो अपॉइंटमेंट दिखा रहा था मक्कातुल मुकर्रमा की, यहाँ जद्दा की तो नहीं थी। ये मोटरसाइकिल बाइक की जो अपॉइंटमेंट है आपको अफसर से लेनी पड़ेगी। तो वहाँ दल्ला भी मैं गया था, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने बताया कि आपको जुमेरात वाले दिन ज़ोर के टाइम आप आ जाएं तो आपको हम अपॉइंटमेंट ले देंगे। अभी मैंने रात के टाइम में चेक किया तो ये पहले ओपन हो रहा था, अभी तो ये अफसर आगे भी नहीं जा रही। तो जैसे ये आगे होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मक्का की तो दिखा रहा था, जद्दा की अपॉइंटमेंट अभी भी नहीं है। फिर ये देखें, आपके पास आ रहा है प्रोसीड टू सर्विस। आपने ये सर्विस को करना है सिलेक्ट। सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद ये बता रहा है बुकिंग न्यू अपॉइंटमेंट, आप इसी को यस करिएगा। फिर बाद में ये देखें, बहुत सारी जो चीज़ें ये इसमें बता रहा है, आपने सिर्फ ये अरबी में लिखा है। इस तरफ आप नीचे आएँगे, रुखसा क्यादा दर्राजा आलिया, आप इसी को सिलेक्ट करने के बाद फिर ये कह रहा है रीजन, आपने रीजन सेलेक्ट करना है। हमारा रीजन है मक्का, क्योंकि जद्दा जो है मक्का रीजन में ही आता है। उसके बाद आप देखें, फिर हम इसे करेंगे नेक्स्ट। देखें, हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आप ये देखें, ये दिखा रहा है ब्रांच, ये रीजन, ये भी मक्का में है और ये भी मक्का में, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में मक्का में, चौथे नंबर में ताइफ में, पांचवें नंबर में आप देखें ये है जद्दा। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं, यहाँ दिखा रहा है जी, ये कह रहा है जी सॉरी। तो फिर इससे फर्स्ट वाले को हम करते हैं, फर्स्ट वाले को करने के बाद भी ये कह रहा है जी सॉरी। फिर सेकेंड वालों को मैंने फ़र्स्ट टाइम भी किया था जब, तो
देखें जी, ये इसमें दिखा रहा है सुबह के लिए, सुबह है 29, सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, 3 टाइम दिखा रहा है। तो मैं इस वक्त तो मक्का में पहुंच नहीं सकता हूं, क्योंकि अभी रात के देखें क्या टाइम हो रहा है। तो इस वजह से हम जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ जद्दा, फिर भी ये जद्दा में ट्राई करते रहेंगे, अभी भी मैं ट्राई करता रहूँगा। बस देखें फिर ताइफ़ में, ताइफ़ में भी नहीं दिखा रहा है जी, ताइफ़ में भी इसको मसला है, भी ताइफ़ में भी नहीं, सिर्फ मक्का में है। वो मक्का में मैं देख रहा था कि अगर मैं डेट जो है ना वो चेंज कर लूँ, सुबह का ना हो, तो इसमें भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट जो है आप डेट। डेट जो मैं सिलेक्ट कर रहा था ये देखें फरवरी है, तो ये नेक्स्ट किया मार्च, मार्च में 3 को करते हैं संडे वाले दिन, तो संडे वाले दिन में भी ये नहीं दिखा रहा है। ये संडे वाले दिन में जो है वो नहीं, सुबह में है 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। तो मैं सुबह तो मक्के नहीं जा सकता हूँ, पहुँच भी नहीं सकता हूँ इतनी देर में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा हम फिर यहाँ बैग में जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ से ऑनलाइन में अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आपको दल्ला जाना है। तो दल्ला जब हम जाएंगे, दल्ला जाने के बाद वो सबसे पहले उसे कहते हैं जहाँ पे आपका लाइसेंस बनता है, तो वहाँ जाने के बाद वो पहले ट्राई लेंगे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी वहाँ जाके उसकी, उसके बाद मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो वो आपकी ट्राई लेंगे, अगर आप तो पहले ट्राई में पास हो गए तो फिर तो आपको कंप्यूटर में टेस्ट देना होगा, तो उसके बाद आपको 200 रियाल हैं तकरीबन 10 साल की फ़ीस। और अगर आप ट्राई में पास नहीं हुए तो आपको 690 रियाल देने पड़ेंगे 3 दिन के मदरसे के। तो यहाँ से जब अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो मिलने के बाद अगला जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे, और उसका इंशाल्लाह जो है मोटरसाइकिल का लाइसेंस। ये जद्दा में आके फिर इस तरह हो गया कि अल्लाह करे कि मिल जाए, बाकी देखते हैं क्या बनता है। ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटा वहाँ इंतज़ार करने के बाद मुरूर ऑफिस में। तो बेहतर तो यही है कि आप वहीं मुरूर ऑफिस हमारे यहाँ नज़दीक में आइए, रिहाब में दल्ला ऑफिस है, आप वहाँ जाकर ही जो आपके करीब में दल्ला ऑफिस हो मुरूर का, अलीदायरा आम लिल मरूर, अब वहीं से जाके जुमेरात वाले दिन जोर की नमाज़ के बाद 1 बजे तकरीबन वो खोलते हैं। और अभी देखें 2:02 पर मुझे लेटर मिला है, और जो डेट मिली है योमुल अहद संडे वाला दिन 1 बजे जोहर की नमाज़ के बाद। तो बेहतर तो यही है कि आप वहाँ जाकर 50 रियाल उन्होंने फ़ीस ली है, आप वो पे कर दें। फिर अभी इन्होंने बताया है कि ये संडे वाले दिन टेस्ट लेंगे 1 बजे, तो उसके बाद पता लगेगा मदरसा लेना है कि नहीं लेना, वो तलीम जो देते हैं उसके फिर चार्जेस अलग से होंगे। इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन जो लाइसेंस मैंने मोटरसाइकिल का लेना है रुखसा दर्राजा आलिया, उसके बारे में आगाह करूँगा कि इंशाल्लाह ईजी, जितना ईजी हो सके, जितना बआसानी तरीके से आप ख़ुद, अगर आप पढ़े लिखे भी ना हो तो आप ऑनलाइन अगर नहीं ले सकते तो आप वहाँ मरूर ऑफिस चले जाएं, वहाँ जाके इंशाल्लाह आपको बआसानी ये टाइम मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, लोगों की बातों में ना आएँ, हिम्मत करें, हौसला करें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें, तो अल्लाह पाक आपके रास्ते खोलते रहते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपकी आपका काम है हिम्मत करना, लोगों की बातें ना सुने, जितने मुंह उतनी बातें, लोग बहुत बातें करते, ये होगा वो होगा, आसानी से जाएं। ऑनलाइन भी मैंने आपको दिखा दिया है, वहाँ से तो नहीं मिल रहा है, आप वहाँ जाएंगे मुरूर ऑफिस, तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको दल्ला ऑफिस, आपको बआसानी वहाँ से टाइम मिल जाएगा। आज है जुमेरात, तो जुम्मा तो वैसे ही छुट्टी होती है,
ये है जी कन्फर्म नहीं है शायद हफ्ते को भी छुट्टी है अभी के लिए इजाज़त बाकी इंशाल्लाह आपको वक्त सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा जो लाइसेंस और रुखसे का तरीक़ेकार है वो आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा बआसानी तरीका जो है बिल्कुल आसान तरीका जो बिल्कुल आसान तरीका है वो लोगों की बातों में ना आए एजेंटों की बातों में ना आए खुद आगे बढ़ें वक्त देना पड़ता है वक्त देने के साथ साथ अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोल देते हैं इंशाल्लाह फिर अगला प्रोसीजर भी आपको मैं दिखाऊंगा।